फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ख़राब मोबाइल चार्जर की जो पीसी बोर्ड होती है उनसे मैं आपको एक पावरफुल एम्पलीफायर बना के दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इसका सारा कनेक्शन बताऊंगा किस तरीके से आपको इसका कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, एम्पलीफायर बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट यूज होंगे वो आपको किसी भी ख़राब मोबाइल चार्जर के पीसी बोर्ड में आसानी से मिल जाएंगे, आपको बाहर से कोई भी कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो मैंने एक एम्पलीफायर बनाया था तो उसका कनेक्शन करने में काफ़ी सारे फ्रेंड्स को दिक्कत आ रही थी, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक कंपोनेंट की डिटेल्स आपको दूंगा और सारा कनेक्शन अच्छे तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से आपको इसका कनेक्शन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो आपको तुरंत ही देखने को मिल जाए। तो चलिए, इस एम्पलीफायर को किस तरीके से बनाते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, एम्पलीफायर बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट यूज होंगे मैं आपको उसकी डिटेल्स दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें इस तरीके की एक ट्रांजिस्टर लेनी पड़ेगी जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, इस तरीके के चार्जर होते हैं तो ये भी सेम ट्रांजिस्टर है, इस पर भी यही नंबर लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, दूसरा कंपोनेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ये आपको LED के साथ यहाँ पर लगी हुई मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, तीसरा कंपोनेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये 470 माइक्रोफैराड का और 10 वोल्टेज का एक कैपेसिटर होता है। तो चलिए, मैं तीनों कंपोनेंट को इस पीसी बोर्ड में से निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तीनों कंपोनेंट को निकाल लिया। चलिए, मैं आपको एम्पलीफायर बना के दिखाता हूँ किस तरीके से एम्पलीफायर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे IC के पिन नंबर 1 पे कैपेसिटर का नेगेटिव साइड जोड़ दिया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसके पीछे की साइड कुछ इस तरीके की होती है, तो आपको इस तरफ से माइनस वाला पॉइंट यहाँ पर सोल्ड कर लेना है। ये हमारा प्लस वाला साइड है जो कि हमने खाली छोड़ दिया है। इसका फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस को कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ और यहाँ पर IC के पिन नंबर 1 के साथ यहाँ पर सोल्ड कर लिया है। तो चलिए, मैं इसके साथ ऑक्स केबल का और स्पीकर का कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑक्स केबल का प्लस वाला वायर यहाँ पे कैपेसिटर के पॉजिटिव पे दे दिया है और नेगेटिव यहाँ पे नंबर 3 पे, कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पे। तो चलिए, मैं यहाँ पे स्पीकर को भी इसके साथ सोल्ड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्पीकर को भी इस एम्पलीफायर के साथ यहाँ पर सोल्ड कर लिया। चलिए, मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पीकर का जो पॉजिटिव वायर है वो मैंने यहाँ पर इस 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस के साथ सोल्ड कर दिया है और नेगेटिव पॉइंट को फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के बीच वाले पॉइंट के साथ यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक बार अच्छे से। चलिए, मैं यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन भी कर लेता हूँ इसके साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3.7 वोल्ट की बैटरी का जो पॉजिटिव है वो मैंने यहाँ पे 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस के इस वाले पॉइंट के साथ यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के तीसरे पिन के साथ यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। फ्रेंड्स, आप इसे IC ट्रांजिस्टर कुछ भी कह सकते हैं, फ्रेंड्स वैसे इसे ट्रांजिस्टर ही कहते हैं। चलिए, मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से एम्पलीफायर वर्क करता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल में इसकी ऑक्स केबल लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख पा रहा हूँ यहाँ पर सब कुछ आपके सामने ही है, कोई भी कहीं से कोई वायर नहीं है। तो चलिए, अब मैं इसमें सॉन्ग प्ले कर देता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारी जो एम्पलीफायर है उस टाइम यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास कुछ थर्माकोल के पीसेस हैं तो मैं यहाँ पे स्पीकर में डाल लेता हूँ। तो देख रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं से कोई वायर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एम्पलीफायर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इससे बड़ा स्पीकर चलाना चाहते हैं तो आपको दो काम करने होंगे। एक तो आपको ट्रांजिस्टर पे एक हीट सिंक लगा लेनी है और आपको यहाँ पे बैटरी को चेंज कर देना है। आपको इसके साथ 5 वोल्टेज की या 2 बैटरी को सीरीज में करके 6 वोल्टेज की आपको इसके साथ बैटरी लगा लेनी है। तो ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा।
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर।